हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस क्लास में हम करेंगे रैखिक समीकरण को हल और अपने हल की जांच करेंगे। निम्न रैखिक समीकरण को हल करें एवं अपने उत्तर की सत्यता की जांच करें। प्रश्न हमसे बोलता है कि रैखिक समीकरण को हल कीजिए, हल करने के बाद आप टेस्ट करके बताइए कि आपका उत्तर सही है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपका आंसर यकीन के साथ सही है? तो ये बताने के लिए आपको अपने उत्तर का जांच भी करना है दोस्तों। तो चलिए मैं अभी आपको रैखिक समीकरण का हल करना सिखाऊंगा, सॉल्व करना सिखाऊंगा और सिखाऊंगा अपने उत्तर को टेस्ट करना कि आपका आंसर सही है तो क्यों है। लीजिए तो सॉल्व करते हैं। 5x + 10 = 3x + 40, यह हमारा दिया गया समीकरण है। अब यह एक रैखिक समीकरण, ये तो बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि x का पावर एक है और रैखिक समीकरण का मतलब होता है चर का पावर एक होना चाहिए। तो 5x + 10 = 3x + 40 यह एक रैखिक समीकरण है। गारंटी है कि इसका एक ही हल होगा क्योंकि नियम होता है कि रैखिक समीकरण का कितना सोल्यूशन होता है, तो एक सोल्यूशन होता है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाले को एक साइड में ले आवेंगे और बिना एक्स वाले को दूसरे साइड में ले जाएंगे, यानी चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को दूसरे तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए यहां पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 5x को मैंने लिखा और +3x है, इधर आएगा तो -3x हो जाएगा, 40 अपने जगह पर है, अब +10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। 5x में 3x घटेगा स्टूडेंट, तो 2x होगा, 40 में से 10 घटेगा, 40 में से 10 घटेगा तो 30 होगा। अब x के साथ 2 क्या कर रहा है, तो गुना कर रहा है, और गुना करने वाला संख्या बराबर के बाद बटा के नीचे जाता है यानी भाग में चला जाता है। 2 से 30 कटेगा 15 बार में, तो आपका आंसर निकल गया है 15। लेकिन अपने उत्तर की सत्यता की जांच करनी है, यानी ये 15 इस समीकरण का आंसर है कि आंसर नहीं है, हमें इस बात का जांच करना है, तो चलिए इसको जांच करने के लिए इसका LHS निकालना पड़ेगा, इसका RHS निकालना पड़ेगा। x बराबर 15 पर LHS निकालना पड़ेगा और x बराबर 15 पर ही RHS निकालना पड़ेगा। अगर दोनों साइड सेम वैल्यू दे देगा तो टेस्ट हो जाएगा कि ये 15 सही है। अगर दोनों साइड सेम वैल्यू नहीं देगा इसका मतलब 15 आंसर गलत है। तो आइए इधर LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये है 5x + 10। इस क्वेश्चन में LHS है 5x + 10, तो मैंने यहाँ पर लिखा है 5x + 10। अब 5 अपने जगह पर रहा, x का मान कितना निकाले हैं, 15 निकाले हैं, तो 15 डालेंगे यहाँ पर और प्लस में 10 दे देंगे। पहले गुना का काम करेंगे तो 15 पचे कितना 75 और 75 में 10 जोड़ेंगे तो कितना 85। तो हमारा LHS का वैल्यू निकला 85। अब अगर RHS का वैल्यू 85 निकलेगा तो इस आंसर को सही होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए भैया निकालिए ना, देर किस बात का है, RHS निकालिए राइट हैंड साइड। RHS का मतलब राइट हैंड साइड, तो आपका राइट हैंड साइड है 3x + 40। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3x + 40, 3 का 3 और x का मान आपको 15 डालना है, चलिए 15 में 3 से गुना करिएगा तो 45 और +40, अब 45 में 40 जोड़िएगा भैया तो हो जाएगा 85। आ गया ना मज़ा, आपका LHS 85, आपका RHS 85। तो क्या कहना भैया, गारंटी है कि x बराबर 15 इस रैखिक समीकरण का हल है, तो है चूँकि LHS = RHS, LHS RHS के बराबर है, इसीलिए x = 15 सही उत्तर है, सही उत्तर है।
ये प्रूव्ड हो चुका है, ये जांच हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत सा ज्ञान मिला होगा, तो इस ज्ञान को आप सीखिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ये आपका दायित्व है। और अभी तक हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अट्रैक्टिव वीडियो बनाने वाले हैं और आपको बहुत सा ज्ञान देने वाले हैं। हमारे चैनल पर आपको 9th, 10th, 11th, 12th का वीडियो मिल जाएगा, प्लस में सभी के लिए मैथमेटिक्स मिलेगा जिसमें आपको बेसिक मैथमेटिक्स की जानकारी भी दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाय।